जो प्राण शरीर जो योग का जो उसका सार है कि प्राण शरीर में 72 लाख नाड़ियां हैं जिसमें बायो एथ्रिक एनर्जी फ्लो करती है। उसमें 72,000 नाड़ियां मुख्य, उसमें 3 नाड़ियां मुख्य, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां मुख्य होती हैं। और योग में सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही हम अपनी कॉन्शियसनेस अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं। और ये सुषुम्ना नाड़ी जैसे अपनी बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसी का जो एथ्रिक रूप, उसका जो सूक्ष्म रूप है, इट इज़ पैरेलल टू द स्पाइनल कॉर्ड। अगर इसका सूक्ष्म स्वरूप देखेंगे दैट इज़ द सुषुम्ना नाड़ी। और इसी सुषुम्ना नाड़ी से 72 लाख नाड़ियाँ वो बाहर की तरफ निकलती हैं। और उसी तरीके से अगर फिजिकल बॉडी में देखोगे तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें नर्व सेल्स दे आर प्रोट्रूडिंग आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और वहाँ से नर्व्स में क्या ट्रेवल होता है, जैसे आर्टरीज और वेन्स जो हैं उसमें ब्लड ट्रेवल करता है। और नर्व्स में क्या ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, इट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, ये आपके बायोप्लास्मिक बॉडी जो वहाँ सुषुम्ना नाड़ी और उसके साथ साथ वो जो चल रहे हैं, वो जो 7 चक्र हैं मुख्य और हजारों छोटे छोटे चक्र हैं, दे आर एट्रैक्टिंग द कॉस्मिक एनर्जी और वो कॉस्मिक एनर्जी को सप्लाई करते हैं सुषुम्ना नाड़ी में। और सुषुम्ना नाड़ी से ईड़ा पिंगला नाड़ी से वो ट्रांसफ़र होता है हमारे फिजिकल बॉडी में एंड इट इज़ दोज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। अब जब मनुष्य दुखी हुआ तो इमिडिएटली उसका जो प्राणमय कोश है वो इमिडिएटली, क्योंकि फिजिकल बॉडी में इट इज़ नॉट विजिबल लेकिन प्राणमय कोश में इट इज़ वेरी मच विजिबल। इसीलिए अगर आपको स्कैनिंग आती है तो आप इंस्टेंटली बता सकते हो कि ये व्यक्ति किस थॉट प्रोसेस से गुजर रहा है और उसने कौन कौन सी बीमारियां अपने शरीर में पैदा करी हैं और उसका लिंक जो है वो कहां पर अटका हुआ है। इट विल उस समय आप हीलिंग और आसानी से कर सकते हैं और उसको ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। अब अगर वो दुखी है तो उसने ये जो फिजिकल बॉडी का जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें नर्व्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं वो डिफरेंट टाइप के होंगे, वो विद्युत अलग होगी। एवरी टाइम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आर डिफरेंट और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो नर्व सेल्स हैं दे सेंड द मैसेजेस टू एवरी सेल, हर सेल को वो मैसेज देते हैं और वो सेल को बोलते हैं सेक्रीट द हार्मोन्स, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहता है। दे आर ओनली लिसनिंग टू योर डिज़ायर, जो भी तुम्हारा मन की स्थिति है ये उसको ओबे करता है आपकी फिजिकल बॉडी। वो कहते हैं वो हार्मोन सेक्रीट करो, इसीलिए व्हेन अ पर्सन इज वेरी सैड ही इज सेक्रीटिंग एड्रेलिन एंड नॉन एड्रेलिन हार्मोन्स, एड्रेलिन एंड नॉन एड्रेलिन। वो जो है पूरे सेल्स के अंदर जब जाती है तो सेल्स का बिहेवियर इट्स अ वेरी सैड एंड पेनफुल बिहेवियर। और वो कंटिन्यूसली जब सैड हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं शरीर में दे गेट एक्यूमुलेटेड ऑन वेरियस ऑर्गन्स।